यस्य क्रियन्ताम् नाभिधावन्ति सिद्धमुखासनम् भयमृतिरति समृद्धि समृद्धि वा सवे पंडिता उच्यते। फिर देखिए यस्य क्रियन्ताम् नाभिधावन्ति सिद्धमुखासनम् भयमृति समृद्धि समृद्धि वा सवे पंडित उच्यते। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश सहनी आज लेकर आए हैं क्लास टेंथ जो है संस्कृत। बिहार बोर्ड में बहुत ही से क्वेश्चन आती है संस्कृत से। आज हम लोग चैप्टर लेकर आए हैं 7 नंबर, यानी कि सप्तम पाठ है। इस पाठ का नाम है नित्य श्लोक। नीति जो श्लोक है इस चैप्टर में 10 श्लोक है। कितने हैं? 10 श्लोक है। और इसमें सभी श्लोक कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। और महाभारत का मतलब क्या जो होता है? महाभारत किस लिए हुआ था, कोई बता सकता है? महाभारत जो है यानी क्या होता है, भाई का क्या चीज कहती है, युद्ध है ना, पांडव और कौरव नाम सुने हैं कुछ। हाँ, तो कुछ उसमें उसके बारे में बताते हैं, महाभारत के बारे में कहाँ से लिया गया है, ये किस तरह से लिया गया है, और इसके क्या चीज़ है। इस चैप्टर से कम 5 या 6 क्वेश्चन आती है इसमें। इस चैप्टर से 5 या 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 4 पक्का आएगा है ना। अच्छा, 2 नंबर 3 नंबर का आता है लिखने के लिए सब्जेक्टिव में। पहले समझते हैं महाभारत के लेखक कौन है। वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। ये महाभारत के लेखक है। महाभारत जो है किस लिए हुआ था? महाभारत जो है दो व्यक्ति जो पांडव कहलाते थे, पांडव और कौरव। पांडव के 5 गो बेटा था, जिसका इसके जो पिता का नाम क्या था, पांडु। क्या नाम था? पांडु पिता का नाम था। 5 गो इसमें उनके भाई बहन थे। कौरव देखे, कौरव जो थे इसमें कुल मिलाकर 101 आने की इसके क्या थे, संतान थे, जिसमें एक पुत्री थी इनका। इनका खाली बेटा था, इनकी एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था दुशाला। क्या नाम था? कौरव जो था ना, कौरव में 100 गो इनका पुत्र था इस, और इसका जो पिता का नाम था धृतराष्ट्र। कौरव पिता का नाम धृतराष्ट्र था और पांडव पिता का नाम पांडु था। इसमें 5 गो भाई थे और कौरव में इसमें 101 भाई थे। कितने थे? और एक उसकी बहन थी। 100 भाई एक बहन, दोस्तों मिलाकर दुशाला उसकी बहन थी। और लड़ाई होता था है ना। और जो धृतराष्ट्र क्या जी थे, ये अंधा थे, ये नहीं दिखता था, ये अंधा थे धृतराष्ट्र। इनको महसूस हो जाता था कि लड़ाई होने वाला है। तो इस जो चैप्टर में दिया हुआ है एक किसका, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बताते हैं किससे, विदुर से। कैसे? विदुर। इसे विदुर है, विद्वान का नाम है विदुर। क्या नाम है? विदुर। और जो नित्य श्लोक है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नित्य श्लोक है किसके आधार पर है, तो विदुर नीति। किसके आधार पर? विदुर नीति है, विदुर नीति। तो जो ये है धृतराष्ट्र, इनको दिखता नहीं बट मंगल, ये प्रश्न पूछते किससे, विदुर नीति से पूछते प्रश्न। ये प्रश्न का क्या बताइए आंसर, ये प्रश्न के बाद बोलते हैं, ये श्लोक में बताते आंसर। जितने भी श्लोक है 10 श्लोक है, 200 श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ हम जानेंगे। ये इसलिए महाभारत हुआ था। महाभारत पढ़िएगा तो बहुत सारा है आएगा। द्रौपदी काशी का जो बहन, उससे लड़ाई होता है महिला के लिए, उसका संबंध कैसे कैसे होता है आप पढ़िएगा। तो जितना इसमें एग्जाम के उतना बता दिए, ठीक है, समझा गया ना। ये महाभारत से लिया गया है नित्य श्लोक। एक भागवत गीता भी क्या, महाभारत का ही क्या चीज है, एक भाग है। ये भी क्या चीज है, विदुर नीति किसका भाग है, महाभारत का। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि विदुर नीति किसका भाग है, तो नीति श्लोक इसमें किसका भाग है, महाभारत का। किसका भाग है? महाभारत। इस तरह से बहुत सारे श्लोक बताएंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन था। देखते हैं आगे, इस आते हैं पॉइंट पे। चलिए श्लोक है, बोलते हैं विदुर जी। बोलते हैं विदुर क्या बोलते हैं,
यस्य कृन्ताम् न विद्वन्ति सिद्धमुखासनम् भयमृति अति समृद्धि समृद्धि वा सवे पंडिता उच्यते। फिर देखिए यस्य कृन्ताम् न विद्वन्ति सिद्धमुखासनम् भयमृति समृद्धि समृद्धि वा सवे पंडित उच्यते। कहते हैं कि वैसा काम है ना कि जिस व्यक्ति के काम में ये जो है कृंता में काम होता है, जिस व्यक्ति के काम में क्या हो शीत का मतलब जो होता है शीत का मतलब ठंड का मौसम, ठंड का मौसम यानी कि वैसा व्यक्ति यानी कि वैसा कार्य जिस व्यक्ति के जिस इसका हिंदी होगा जिस व्यक्ति के कार्य जिस व्यक्ति के कार्य में क्या जो कार्य क्या जो शीत शीत मतलब ठंड ठंडा मौसम मतलब गर्मी भय मतलब डर अराती मतलब प्यार प्रेम समृद्ध होने का जो होता है जिसपे ज्यादा का जो धन संपत्ति हो अमीर व्यक्ति को समृद्ध आई क्या हो गया समृद्ध वा यानी कि असमृद्ध हो गया गरीब हो गया असमृद्ध समृद्ध सवे पंडित उचेते यानी कि जिस व्यक्ति के कार में क्या हो ठंडा के ठंड के वजह से गर्मी के वजह से डर के वजह से और प्यार प्यार के वजह से समृद्ध के वजह से और असमृद्ध के वजह से क्या हो कार में न बाधा पड़ता हो न बाधा बाधा न बाधा हो यानी कि जिस व्यक्ति के कार में जो कार में क्या चीज हो ठंड के मौसम में हो गर्मी के मौसम में हो प्यार प्यार हो यानी प्रेम हो समृद्ध हो समृद्ध हो क्या हो न बाधा आवे यानी कि विध्वंसी मतलब न बाधा आवे उसे क्या कहेंगे हम लोग पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं पंडित पंडित का मतलब इससे हो गया कि ये पंडित है ना यानी कि आप भी एक पंडित हो सकते हैं कि एक व्यक्ति जो सीधा साधा एक क्या हो सकता है यानी कि ज्यादा अति नहीं हो यानी कि सिंपल व्यक्ति तब कब कब बनिएगा जिस व्यक्ति कार में क्या हो ठंड के द्वारा यानी कि ठंडा लगता है कहीं आपको जाने के लिए रहता है ठंड लग रहा ठंड लग रहा तो ठंड के मौसम में काम नहीं करिएगा तो पेट भर देगा भर जाएगा ठंड के मौसम में पढ़ने के लिए रहेगा तो ले ले लुकाई रहो बिछौने में एंड हो ओकरे में घूम घे करते रहो एंड मोबाइल चलाते रहो ठंड का चीज है ठंडा हमें करो यानी क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति कार में ठंड के वजह से गर्मी के वजह से प्यार के समृद्धि असमृद्धि बाधा न हो यानी किसके वजह से कोई बाधा न हो उसे पंडित कहते हैं। अब गर्मी का मौसम हो गया गर्मी के मौसम है कहीं जाइएगा बुरा गर्मी लगता है पप्पा बहुत गर्मी लगती है पप्पा होता है गर्मी लगता है ज्यादा कहीं चल गया शादी ब्याह में जीजा के घर देता बहुत सारा गर्मी लगता है शरीर लागे अलग गर्मी बेनी या डोलाई देता हो ना ये जीजा हो हमारा लाई ये क्या चीज है गर्मी डर डर समझिए डर जैसे डर आपके है कि हमको कहीं जाना है एग्जाम देना है डर होता शरीर में डर की वजह से किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं ये डर जाते हैं तो आप पंडित नहीं बन पाइएगा यानी अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाइएगा डर भी आपके शरीर में नहीं रहना चाहिए। ये कौन बोलते हैं विदुर नीति क्या थी प्यार है अगर माले प्रेम भी आपके पास है हेलो प्रेम जो है प्रेम अगर क्या करता है प्रेम की वजह से कोई आप काम नहीं करते हैं बहुत करता प्रेम करते करते जो मर जाते हैं चल गए स्वर्ग में प्यार क्या होता है प्यार की वजह से एक दूसरे को छोड़ देते हैं तो प्यार की वजह से कोई काम में क्या रुकावट ना हो है ना वही तो हेलो क्या समृद्ध हो गया धन संपत्ति का आपके पास बहुत ज्यादा है आप घमंड हो गए तो घमंड जिस तरह से आप जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से क्या होगा आपको धीरे धीरे संपत्ति भी नष्ट हो जाएगा है ना। तो क्या होता है संपत्ति को भी बचा के रखने का क्या होता है गुण होता है यानी कि समृद्ध यानी कि समृद्ध धन प्राप्त करना बहुत ज्यादा लोभ हो गया जब लोभ हो गया तो क्या होगा पंडित हम नहीं बन सकते हैं बन सकते हैं नहीं समृद्ध असमृद्ध हो गया असमृद्ध मतलब यानी कि क्या चीज बहुत गरीब है कहेंगे अब जिंदा हम नहीं रहे मर जाते अच्छा रहता ये भी क्या चाहिए आपके सोच के लिए क्या एक गलत परिभाषा है अब क्या चाहिए ना बाधा हो पंडित यानी कि उसे क्या कहते हैं पंडित कहते हैं
तो आएगा क्वेश्चन में तुमको हिंदी में, दो नंबर तीन नंबर पंडित किसे कहते हैं बोलो। तो पंडित उसे कहते हैं जिस व्यक्ति कार में है ना, काचियो ने कार में ठंड गर्मी डर प्यार सब नींद के वजह से कोई बाधा ना हो है ना, उसे पंडित कहते हैं। लोभ के छोड़ लोभ हो जाएगा पंडित जी के, पंडित जी भागल तू पंडित जी को तुम ब्याह करा ब्याह कर भागल तू है ना। देखो फिर से अश्लोक यस्य कृतं न विदन्ते शीतमुषं भयं रति समृद्धिद्वा सवे पांडितुच्यते। आने के जिस काल में है ना हो अथी का ठंड के मौसम से गर्मी के मौसम से या क्या चाहिए कुछ डर के भय से प्राण से, और यदि वो कार रुक जाता था पंडित है नहीं है, अगर उस तरह कार करता पंडित कहलाएंगे ठीक है। अब आगे अगला का श्लोक देखते हैं, इसको ताना उतार लीजिए चलिए। चलिए देखिए नित्य श्लोक का हम लोग अगला श्लोक का अर्थ जानते हैं बहुत ही सरल भाषा में देहाती भाषा में है ना। हो देखिए डीजे में तत्वज्ञ सर्वभूत नाम योग्य सर्व कर्म नाम वैज्ञो मनुष्य नाम नर पंडिता उच्यते। देखिए तत्वज्ञ सर्वभूत नाम योग्य सर्व कर्म नाम उपयाज्ञो मनुष्य नाम नर पंडिता उच्यते। देखिए तत्वज्ञ और जानते हैं हेलो तत्वज्ञ सर्वभूत नाम यानी कि तत्वज्ञ सर मतलब सभी भूत मतलब भूत ना जो भूत देखते हैं बड़का बड़का रात में चुराई झपड़ा वाला इसे लड़का के भूत का मतलब जीव होता है, भूत का मतलब जीव संस्कृत में भूत मतलब जीव। तो तत्व सर्वभूत नाम यानी कि देखिए क्या करता है सभी सभी जीवों को एक समान देखने वाला यानी सभी देखिए सभी जीवों को तत्वों के बारे में जानने वाला, कौन सा जीव क्या खाता है सभी इसका अर्थ हो गया कि सभी जीव क्या करना है उसके लक्षणों को जानना है उसको गुणों को जानना है वही है ना। पहले से अर्थ इसे निकलता है कि जो भी इसमें श्लोक दिया हुआ है तत्वज्ञ जो है तत्व उसके बारे में उसके ज्ञान के बारे में उसके नॉलेज के बारे में सर्वभूत नाम योग्य कर सर्व कर्म नाम यानी कहता है कि सभी कर्मों को जानने वाला यानी सभी काम में जो करने वाला उसको जानने वाला। फिर आगे है कि उपायोग्य मनुष्य नाम मनुष्य के उपायों को जानने वाला उसे कहते हैं नर पंडित। क्या कहते हैं नर पंडित। पहल का परिभाषा में क्या जी था कि जो क्या हो ठंड किससे हो गर्मी से हो प्रेम से हो भय से हो उसे कहा ना डरे कोई बाधा ना डाले वो पंडित होता है। फिर दूसरा परिभाषा क्या चीज है कि सभी जीवों को क्या करता है तत्व को जानता जानता हो सभी कर्मों को जो है काम को सही तरीके से करता हो है ना। यानी क्या होता है सभी कामों को जो है कर्म से करता है उपायोग्य यानी कि मनुष्य के उपायों को जानता हो नर पंडित कहा। क्या कहता है नर पंडित। पंडित यानी कहने का अर्थ है कि जो क्या करते हैं एक दूसरे के प्रति क्या रखे भाव रखे दुख को समझे है ना। हो यानी कि सोनुआ का दुख हो गया तो पिंटुआ के दर्द हो गए है ना। हो तीसरा का दुख को समझिए ऐसा में हाँ अरे दुख नहीं आता है जैसे कोई जीव आ जाता है कुत्ता उतार के आपको द्वार पर उसको मार के भगा देते हैं उसके प्रति आप खिलाइएगा तो ना मारिएगा और उसको दृष्टि देखिए आप जब उस जगह पर रहिएगा तो आपको कैसा लगेगा लगेगा। तो इस तरह क्या होता है सभी जो है क्या करता हो आजकल पंडित क्या हो ए आजकल पंडित क्या हो गया जाइएगा पंडित के पास क्या होगा इतना रुपया दीजिए पहले उसको दुख को नहीं समझता है हम लेंगे हम ब्याह कराए 5,000 रुपये तो लेंगे हेलो। तो देखिए फिर से तत्वज्ञ सर्वभूत नाम योग्य सर्व कर्म नाम उपायोग्य मनुष्य नाम नर पंडित उच्यते। यानी सभी जीव तत्व जानने वाला सभी कर्मों के जो है करने वाला कामों करने वाला मनुष्य के उपायों को जानने वाला उसे बोलते हैं नर पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं नर पंडित। ये दूसरा श्लोक था किसका नित्य श्लोक का ऐसा में। अब तीसरा श्लोक देखते हैं तो इसको अर्थ लिखे इसको लिखवा देते हैं। ले अम्मा
चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं विदुर नीति का तीसरा श्लोक, यानी कि नीति श्लोक के क्या है तीसरा श्लोक। देखिए लिखा हुआ है इसमें, इसको हिंदी अर्थ जानते हैं, अर्थ क्या चीज होता है। लिखा हुआ है आना हो तो प्रविशति और पृष्ठ हो बहुभाषते अविशते विश्वास्ती स्थिति मूर्चता नराधम। अरे क्या चीज श्लोक है ये समझ में नहीं आया होगा, इसको पढ़ते हैं। अर्थ ये क्वेश्चन पूछ रहे, किसे पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे धृतराष्ट्र, आंधा व्यक्ति थे या विदुर पूछ रहे थे, विदुर जवाब दे रहे थे। अरे क्योंकि उसके लिए कुछ होता है, जैसे मान लेते पहले के जमाने में पढ़े लिखे लिए कुछ नहीं था, और धीरे खोज होते होते यहाँ तक पहुँच गया। जो अगला व्यक्ति क्या करता है, पूछता है वो बताता है। जैसे नहीं होता है क्रिकेट खेलते हैं तो कभी पैर टूट जाता है, हेलो तो उसको रखा जाता है स्टेपनी में, रखा जाता है। क्रिकेट कोई खेलता है उसको चल नहीं दौड़ नहीं पाता है, वो रखते हैं स्टेपनी, रखते हैं स्टेपनी में, तो हमें दौड़ी है उसके साथ में रहने वाला, वो काम करने वाला किसान था। देखने राइस भर के चला है हम ले चले गए क्या नाली में, तो ओकरे में पैर लग रहा है क्या। आना हो तो परिसते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिते मूढ़चेता नराधम। ठीक है क्या, आना हो तो परिसते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिते मूल चेता नराधमे। विदुर कहते हैं कहना होते परवशिष्ठ आने के बिना बुलाए हुए कोई चल जाते हैं कहीं, समझे किसका अर्थ किसका, याना होता प्रविशिष्ट मतलब किसी का इंटर कर जाता है बिना, इसका अर्थ होगा बिना बुलाए हुए, बिना बुलाए हुए कोई कहीं चल जाते हैं। अपृष्ठ बहुभाषते बिना उससे पूछे हुए अपने बक लगते हैं, है ना, इसको बताएंगे अर्थ समझते हैं। आने के बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, बिना बोले अपने बक लगते हैं। अविश्वासते विश्वसते यानी जहां पर क्या हो अविश्वास वहां विश्वास करते हैं, है ना। मूर्ख चेता नराधम उसे क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, क्या कहते हैं मूर्ख, यानी कि सबसे नीचा समझता है, है ना। देखिये आना हो तो प्रवेश की यानी कहने का अर्थ है कि इसका कह रहे हैं कि बिना बुलाए हुए आप चल जाते हैं, चल जाते हैं कहीं पे से आपको जो है शादी ब्याह में इन्वाइट नहीं आता है वहां पर चल जाते हैं खाने पीने के लिए, या कोई जो है ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर ज्यादा कहो व्यवस्था खाने पीने को या कुछ नाच गान के व्यवस्था वहाँ पर लोग चल जाते हैं, बच्चे लोग चल जाते हैं। तो जब चल जाते हैं बिना बुलाए हुए चल जाते हैं, किसी घर पर चल जाते हैं, कहीं भी चल जाते हैं, दोस्त के साथ चल जाते हैं, इन्वाइट किया तो संजीतवा चल गया, सोनुआ चल गया, है ना। अब कोचिंग फिर जाता है सब महीने फिर जाता है आए देखो तीसरे जाते हैं और चुप रहेगी क्या हुआ हम काज खाली की बकाज रहे। आना होता परिस्थिति अपृष्ठ बहुत भासते आने के बिना बुलाए चल जाते हैं, बिना उसको कोई पूछना ही है आप बकने लगते हैं घर में, हम ही नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, अरे मतलब कोई बात करता है आपस में तो आपसे बोल लगते हैं, वहां से जाके आपको बोलने के लिए नहीं बोलता आप बोल लगते हैं जाके बोलते हैं, बीच में जाके बोलिएगा इसे उसे बकरे के अनुपन ज्यादा है ना, हम खाना नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे तो कुछ पूछेगा था ना एक्स्ट्रा माइंड लगाता सब। ये क्या होता है बिना पूछा बोल लगते हैं, फिर क्या चीज है अविश्वास, जहाँ पर विश्वास वहां पर विश्वास करते हैं वही होता है मूर्ख व्यक्ति, क्या होता है मूर्ख व्यक्ति। क्या हुआ जैसे मान लेते हैं कि सोनुआ चल गया एग्जाम्पल देते हैं, कहाँ है वो बी एस सी बराती था गाँव घर में सोनुआ चल के खाए आ सोनुआ का तो इन्वाइट नहीं आया था तो उसको सब देख लिया छत पर से, छत पर देखते हैं हाँ लड़के का पुड़िया बना ले बने मुहमा के नाप के खा लो चाप के आ पैसा लागल हो सोनुआ बा क्या था बहुत था। आए देखो फिर से दूसरा श्लोक तीसरा श्लोक आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो विदुर नीति है विदुर नीति में मूर्ख किसे कहा गया है, मूर्ख उसे कहेंगे जो बिना बुलाए चल जाते हैं, बिना कहने बकने लगते हैं, अपने आप बकने लगते हैं, बड़बड़ा लगते हैं, है ना, जो क्या करते हैं अविश्वास में विश्वास करते हैं, है ना। आपको तैरे नहीं आ रहा है जाके तैर लगी
तो गुब्बू गुब्बू जाइएगा तो ऊपर नीचे सात बार ले लीजिए दाएं लगो। तो क्या होता है, विश्वास नहीं रखते हैं, उसे कहते हैं क्या चीज, नर यानी कि पुरुष। तीन प्रकार होते हैं, याद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है क्या चीज, कौन होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक नरोधम पुरुष। तो लास्ट में आते हैं मध्यम पुरुष होता ना है। तो नरोधम मतलब जो सबसे निचला स्तर है, यानी कि समाज में इसको नीचा देखा जाता है। आप बिना बुलाए चले तो नीचे ना है, आपको कोई बुलावा नहीं किया, आप चरण पूरी खाए, आप गाड़ी सुन लिया, गीत सुन लिए, क्या जी था, फिर समझ गया, पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक ना है, फिर से पढ़ लेते हैं। ततज्ञ सर्वभूत नाम योग्य सर्वे कर्मे नाम उपाग्य मनुष्य नाम नरपंडित उच्यते। यानी कहते हैं कि जीव यानी सभी जीवों को यानी कि एक तत्व समान देखता हो, है ना, सभी जो क्या करते हैं कर्म करने, जो काम करने वाले हो, हेलो, और क्या मनुष्य को पायु जानता है, उसे नर पंडित कहते हैं। दूसरा है क्या ना होता परिसते अपृष्टा बहुभाषते अविश्वसते विश्वसते मूर्चता नराधम। क्या जी था, यह श्लोक तीन श्लोक दानो जाने, इसमें कितना श्लोक है, दस श्लोक है, कितना श्लोक है, दस। अब जेठी पूछ देगा पंडित किसे कहा गया है, नीति यदि किसमें, विदुर नीति में, है ना, हेलो। ऑब्जेक्टिव में कोचिंग बनाया था कि नित्य श्लोक है, कैसा पाठ है, कैसा पाठ है, तो क्या चाहिए, पूरा सूत्र का पाठ है। कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। कहाँ से, महाभारत से लिया गया है। महाभारत के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास। नित्य श्लोक कौन हो गया, वही ना है, विदुर नीति हो गया। ये क्या कहते हैं, कभी क्या बताए थे, कौरव के पिताजी थे, वो अंधा व्यक्ति थे, तभी को जना सकता था। जो क्वेश्चन किससे पूछते थे, वो धृष्टराष्ट्र विदुर से, विदुर जवाब देते थे। इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट से एग्जाम, ठीक है, अब आगे समझेंगे, ठीक है, जय हिंद।